What's up everybody, myself Ritan, you are watching Yardan Talks Officials and आज का वीडियो होने वाला है अगेन कुछ खास, जहां पर मैं 6 ग्रूमिंग टिप्स के बारे में या फिर ग्रूमिंग हैक्स बताने जा रहा हूं जो कि आप अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हो एंड खुद को हमेशा परफेक्टली ग्रूम्ड एंड प्रेजेंटेबल रख सकते हो। अगर आप लोग मुझसे पूछे कि भाई ग्रूम क्यों होना है, देन उसका आंसर आप लोगों को पता ही है कि ग्रूम आप लोगों को क्यों होना है, आप लोगों को प्रेजेंटेबल क्यों होना है, ताकि हर कोई आपसे अट्रैक्ट हो जाए एंड किसी को आपका बैड इंप्रेशन ना जाए। सो इसीलिए ग्रूम रहना बहुत ही मस्ट है। एंड अगर आप लोग परफेक्टली ग्रूम्ड हो गए ना, आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा आप खुद सोच भी नहीं सकते। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो विदाउट एनी फर्दर एडो। तो पहला पॉइंट आ गया आपका हेयर। आप अपने फेस शेप के हिसाब से एक अच्छा सा हेयर स्टाइल चूज कीजिए, उसको परफेक्टली स्टाइल एंड सेट कीजिए, ताकि आपका हेयर स्टाइल देख के कोई भी आपसे अट्रैक्ट हो जाएगा एंड आपको एक प्रेजेंटेबल लुक्स देगा। मतलब सपोज आप लोग मान लो आप लोग ऑफिस, स्कूल, कॉलेज जा रहे हो, देन क्लीन परफेक्टली कोम्ब्ड हेयर रहना चाहिए। एंड अगर आप लोग किसी ओकेशंस पे जा रहे हो, देन आपका जो मतलब सिग्नेचर स्टाइल है वो करना चाहिए। एंड अगर हेयर स्टाइलिंग के ऊपर आप लोगों को कोई वीडियो चाहिए, देन मैं आई बटन पे दे दूंगा, जस्ट गो एंड चेक इट आउट, जहाँ पर मैंने फेस शेप के हिसाब से कैसा हेयर स्टाइल रखना चाहिए, हेयर स्टाइल फॉर बॉयज अकॉर्डिंग टू देयर फेस शेप, इसके ऊपर मैंने डिस्कस किया है। अब सेकेंड पॉइंट आ गया आपका बियर्ड। अगर आपको पैची बियर्ड आता है, फुल बियर्ड नहीं आता है या फिर बियर्ड रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आता है, देन ट्राई करो क्लीन शेव रखने के लिए। फेस शेप के हिसाब से क्लीन शेव अच्छा नहीं लगता, देन कुछ ऐसा स्टाइल करो जो मतलब आपका पैची बियर्ड आता है उसको समझ में ना दे। एंड आपका अगर फुल ग्रोथ आता है बियर्ड का एंड आपका फेस शायद मान लो राउंड है, देन ऐसा कुछ एंगुलर बियर्ड ट्राई करो जो आपके फेस को एकदम एंगुलर दिखाएगा एंड अच्छा दिखाएगा, प्रेजेंटेबल दिखाएगा। अब थर्ड पॉइंट आ गया आपका ड्रेस एंड अपीयरेंस। अब ओकेशंस के हिसाब से आप अपना ड्रेस एंड अपीयरेंस रेडी करो। मतलब अगर आप लोग फॉर्मल्स में जाना चाहते हो देन फॉर्मल्स से जाओ, एंड अगर आप लोग इनफॉर्मल में जाना चाहते हो देन इनफॉर्मल्स में जाओ। प्लेस एंड सिचुएशन के हिसाब से ही आप अपना ड्रेस चूज कीजिए। एंड अगर ड्रेस रिलेटेड आपको कुछ वीडियोस चाहिए वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कि कैसा ड्रेस पहनना चाहिए, एथनिक में क्या पहनना चाहिए, नॉर्मली क्या पहनना चाहिए, फॉर्मल्स में क्या पहनना चाहिए। मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जस्ट गो एंड चेक इट आउट। एंड हमेशा ये दिमाग में रखना कि ओकेशन वाइज आप अपने ड्रेस एंड अपीयरेंस को सेट करें जो नेचुरली सबको आपकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। फोर्थ पॉइंट आ गया द वे यू स्मेल। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दिया है अलग से, फिर भी मैं कह दूँ कि आप ऐसा कुछ स्मेल मत करना जिससे लोग आपसे दूर भागे। इंस्टेड आप हमेशा एक मतलब आप अपने आप को ऐसे रेडी करो कि आप हमेशा वेल परफ्यूम्ड गाय लगे। मतलब आपके मतलब आप जहाँ पर भी जाएंगे सब आपके स्मेल से मतलब अट्रैक्ट हो जाएंगे, वो परफ्यूम हो गया या फिर और जितना जितना पॉइंट है मैंने सब उस वीडियो में कहा था कि इस वीडियो में मैं 6 टिप्स देने वाला हूँ जिससे यू विल स्मेल बेटर देन अदर गाइज। आप परफ्यूम तो यूज़ करते हैं लेकिन उसको सही प्रोसेस में यूज़ करते हैं कि नहीं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जस्ट गो एंड चेक इट आउट। अब फिफ्थ पॉइंट आ गया, आप जो सब चीज़ें मतलब निगलेक्ट करते हो, सपोज मान लो आपका नेल्स हो गया, आईब्रोज हो गया, टीथ्स हो गया, ईयर्स हो गया, इसको हमेशा क्लीन रखने का कोशिश करो। जैसे कि अगर आप लोग मान लो आप लोगों का आईब्रोज जॉइंट हो जाता है, आप सो के उठोगे देन आपके आईज को भी अच्छे से क्लीन कर लेना एंड ईयर्स को भी क्लीन कर लेना जब आप लोग शावर लोगे या फिर जब आपका बाथ टाइम होगा। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो 6th पॉइंट है वो है आपका फेस वॉश। मतलब आप जब सो के उठोगे या फिर जब आप नहाने जाओगे या फिर से रात को जब आप सोने जाओगे, जब आप बाहर से आते हो या फिर बाहर को जाओगे, फेस वॉश मस्ट है जो आपके फेस को एक ग्लो देगा, क्लीन दिखाएगा एंड अगेन आपको प्रेजेंटेबल कर देगा एंड आपसे सब अगेन अट्रैक्ट हो जाएंगे। एंड यस, अगर फेस वॉशेस के ऊपर भी आप लोगों को वीडियो चाहिए देन वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जस्ट गो एंड चेक इट आउट कि कौन सा स्किन टाइप के लिए कौन सा अच्छा फेस वॉश होने वाला है। एंड उन सब फेस वॉशेस का रेंज 100 से 200 में से है जो आपको शायद यूजफुल लगे। वीडियो में मैं कुछ ऐसे 6 फेस वॉशेस के बारे में बात करूंगा जो मेन एंड फीमेल बोथ यूज कर सकते हैं एंड वो बजट फ्रेंडली भी है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जस्ट गो एंड चेक इट आउट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया, यूजफुल लगा तो लाइक शेयर करना मत भूलना एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन मेक श्योर सब्सक्राइब माय YouTube चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मेरा जो सेकंड चैनल है जनार्दन अनफिल्टर्ड, जहां पर मैं रेगुलर बेसिस में व्लॉग्स अपलोड करता हूं, वो फूड व्लॉग हो गया, लाइफस्टाइल व्लॉग हो गया एंड सिमिलर अदर व्लॉग्स, अगर उसको सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है देन यू मस्ट सब्सक्राइब दैट चैनल टू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन योर बाय रीत साइनिंग ऑफ।